या टेरेस गार्डन है हम लोग का। यहाँ पर ये आंवले का पेड़ है, ये जिसमें ये भी शो प्लांट है, ये फ्लावर प्लांट भी लगाए हुए हैं। ये देखिए रेड रोज, वाइट रोज। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया छोटी दिल्ली में आपका स्वागत है। देखिए यह मेरा टेरेस गार्डन है, यहाँ चारों तरफ देखो हरियाली है। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है, चारों तरफ हरियाली रहती है, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है यदि अपने पेड़ इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। यहाँ देखो ये पेड़ देखो, ये पूरा फलों से भरा पड़ा हुआ है, इसमें पूरे में फल ही फल दिख रहे हैं। ये आप कमेंट में बताइए किस चीज़ का पेड़ है, गैस करिए कमेंट में बताइए किस चीज़ में। इसको मैं लास्ट में बताऊंगी ये किसका पेड़ है। चलिए मैं आगे आपको और पेड़ भी दिखाती हूँ मेरे गार्डन के। यह नींबू का पेड़ है, जैसा कि यह नींबू बहुत कम देता है लेकिन इसको मेंटेन करके रखते हैं। नींबू का पेड़ है, यह 4-5 साल में एक बार फल देता है लेकिन हम लोग इसको मेंटेन करके रखे हैं क्योंकि ये काफ़ी साल पुराना पेड़ है। यह पापा ने लगाया हुआ था, बहुत साल पुराना पेड़ है और बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा जब मेरी मैरिज हुई थी, अब कितना बड़ा हो गया है। उसके बाद यह बोन सही नींबू का पेड़ है, ऐसे बहुत बड़े बड़े नींबू होते हैं, उसको अटरिया भी बोलते हैं। यह देखो इसमें फल दिख रहा होगा, ये नींबू आ रहे हैं। दिल को सुकून मिलता है जब अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ फल देने लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। आगे हम आपको और पेड़ दिखाते हैं। यह मलबेरी का पेड़ है, यह ठंड में साल में 2 बार आता है, ठंड में आता है और जनवरी के महीने में आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आपको ये फल दिख रहे हैं इसमें आने चालू हो गए हैं। 1 महीने के बाद इसमें पूरे, ये भी पूरा लदा पड़ा होगा फलों से, पूरे मलबेरी आती है। मेरी बेटी तो बहुत खाती है इसको तोड़ तोड़ के, मैं भी बहुत खाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आगे हम आपको और पेड़ दिखा रहे हैं। ये बीही का पेड़ है, ये बोनसाई बीही है। बोनसाई बीही में बहुत बड़ी बड़ी बीही आती है और बहुत मीठी बीही होती है, इसको इंग्लिश पेड़ भी बोला जाता है। ये जैसे कि देखो ये बहुत छोटा पेड़ है, इसमें 8-10 फल लगे हुए हैं और सारे फलेंगे, बड़े होंगे। आगे हम आपको और पेड़ दिखा रहे हैं। ये देखो ये अनार का पेड़ है, आप गैस कर सकते हैं इतने छोटे पेड़ में इतने सारे अनार होंगे। देखो हर जगह चारों तरफ अनार लगे हुए हैं और सारे में फल दे रहे हैं। ये सारे बड़े हो जाएंगे, कुछ टूट कर गिर गए हैं, ये बड़े बड़े हो जाएंगे तो इसको हम लोग खाते हैं। आगे और पेड़ भी लगे हुए हैं, यह टेरेस गार्डन है हम लोग का। यहाँ पर ये आंवले का पेड़ है, ये जिसमें आंवले 4-5 साल में 1-2 बार आ चुके हैं आंवले लेकिन ज़्यादा नहीं देता है। लेकिन ये देखो टंकी में लगा हुआ है, कितना बड़ा हो गया है। यह बीही का पेड़ है, आप देख रहे हैं जैसा कि यह अभी 2 बार देता है साल में, अभी ये बरसात के फल आ गए हैं। इसमें बीही दिख रही है आपको, देखो कितना छोटा पेड़ है और कितने सारे फल लगे हुए हैं। यह ठंड में भी बीज देती है, बहुत मीठी बीज रहती है, इसकी बीज छोटी छोटी रहती है। आगे और भी पेड़ दिखाते हैं आपको। यह नीम का पेड़ है, मीठी नीम का पेड़ है जो अपन हर सब्जियों में डालते हैं, मीठी नीम से ही टेस्ट आता है। यह भी कितना बड़ा हो गया है। यह एलोवेरा है, यह शो प्लांट है, ऐसे बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, इसको मैनेज भैया भी करते हैं डेली। आप लोग भी अपने पेड़ पर लगाए। और सबसे मेन ये चीकू का पेड़ है, चीकू का फल दिखाओ इसमें। ये है चीकू का फल आ रहा है, देखो इसमें इस साल चीकू भी आएंगे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ देखो। हाँ ये देखो, ये चीकू दिख रहे हैं आपको इसमें, ये इसके बोर्ड आ गई है, इसमें अब चीकू होंगे, अपन चीकू भी खाएंगे। आप लोग भी देखिए, ये भी शो प्लांट है, ये फ्लावर प्लांट भी लगाए हुए हैं। यह देखिए रेड रोज़, वाइट रोज़, कितने अच्छे लग रहे हैं ना अभी, कितने पूरे में फल आए हुए हैं, फूल आए हुए हैं, देख के मन संतुष्ट हो गया है। और ये वाला पेड़ दिखाइए, ये हम लोग नर्सरी से पेड़ लेकर आए थे छोटा सा, और अब यह देखो पूरा यह कितना बड़ा हो गया है और इसने फल भी दे दिए हैं इसमें, और चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। बोलते हैं कि यह घोंसला बहुत शुभदायक होता है, इसमें धन भी आता है। देखिए पूरा पेड़, आपको कैसा लग रहा है मेरा टेरेस गार्डन, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और भी मैं आपको पेड़ दिखाती हूँ, आइए चलिए घर आइए। यह देखिए, आप गैस कर सकते हैं किसका पेड़ है। यह आम का पेड़ है, छोटा बोनसाई पेड़ है, इसमें बहुत सारी बोर आती है और बहुत बड़े बड़े आम आते हैं।
यहाँ देखो मैं मेरा माली पानी दे रहा है पेड़ों पे और छत साफ कर रहा है। देखो छोटा सा, देखो ये मेरे घर का सबसे छोटा माली है। जब भी छत आता है तो पानी पानी देता है, ये जब भी छत आता है पूरे छत में पानी डालता है और पेड़ों में पानी डालता है, बहुत इंतजाम करता है। आइए और दिखाते हैं आपको पेड़ कितना एंजॉय कर रही है ना ये पेड़ को, ये पानी से ये पेड़ पौधे के औजार रखे हुए हैं तो उसी को उसको साफ कर रही है, धो रही है। आइए और पेड़ दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये आम का पेड़ है, हमने आपको अभी बताया है, ये मतलब बहुत ही पिछले साल तो उसमें 8-10 आम आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े आम आए थे और बहुत मीठे आम थे। इस साल तो आम नहीं आए हैं, बोलते एक साल आम ज़्यादा आते हैं एक साल कम आते हैं। और आगे दिखाते हैं, यह भी छोटे छोटे पेड़ हैं, पुदीना का है, एलोवेरा का है, तुलसी का पेड़ है। अब हम आपको लास्ट में आपको बताते हैं किसका पेड़ है, करौंदे का पेड़ है। बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, इसकी चटनी बनती है, यह बहुत अच्छा होता है। यह देखो पास से इसके फल भी दिखाओ, मुझे तो इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है। यह भी बहुत छोटा पेड़ था, अब बड़ा हो गया है। देखो उधर पूरे में है, देखो सावन के महीने में है, पूरा हरा भरा रहता है। वैसे तो 12 महीने ही रहता है लेकिन सावन के महीने में कुछ ज़्यादा ही फल आते हैं, इसमें बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है मेरा टेरेस गार्डन? और देखिए और भी पेड़ लगे हुए हैं, नीचे लगे हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोग। लेकिन इसमें कमेंट करके बताइए कि मेरा टेरेस गार्डन कैसा लगा है। प्लीज़ आप लोग भी लगाइए, टेरेस गार्डन बनाइए अपना, पेड़ एक पेड़ तो अवश्य लगाएं और उसके हमेशा उसकी टेक केयर करें, उसमें पानी दें, उसको सुरक्षित रखें। हमें पेड़ लगाते रहना चाहिए क्योंकि वह हमको बहुत अच्छी हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और उसको मैनेज करते रहना चाहिए। हर किसी को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करते रहना चाहिए। जब वह फल देता है तो दिल को सुकून मिलता है। मैं यह देखो मेरे को कितना सुकून मिल रहा है अपने टेरेस गार्डन के फल खाकर। देखो यहाँ पर यह फल जो पकड़ा भी गया है। प्लीज़ लाइक, यदि टेरेस गार्डन अच्छा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।